नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल में। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और मैं हूं बी.के. कोंबल। इस बुलेटिन की सुर्खियां। गुरुग्राम के वारसी में आईटी व्यवसायियों के लिए सम्मेलन, जीवन की स्वतंत्रता के साथ आनंद और सफलता विषय पर चर्चा। बी.के. सिवानी ने कहा, मन ठीक रखने से सब कुछ होगा ठीक। चंडीगढ़ के धनास में खुला हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का अनोखा मॉल, बड़ी संख्या में शहर के जुटे लोग। राजयोग ध्यान बना आकर्षण का केंद्र, शरीर के सर्वांगीण विकास की भी जानकारी। गॉडलीवुड स्टूडियो के ओवरसीज विभाग की प्रमुख बी.के. डेनिस को शक्ति अचीवमेंट अवार्ड का सम्मान, यो कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल अध्यक्ष विजय तिवारी ने दिया सम्मान। गुजरात के छोटा उदयपुर में लोक कल्याण आध्यात्मिक मेले का आयोजन, खुद के कल्याण के लिए राजयोग सीखने की सलाह। जबलपुर में सड़क सुरक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार, जीवन की सुरक्षा के लिए यातायात के नियम पालन करने की सलाह। महाराष्ट्र वर्धा के जिला कारागार में कैदियों के लिए 7 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, कैदियों ने लिया बुराई छोड़ने का संकल्प। और रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग पर कार्यक्रम, बी.के. संतोष ने कहा, वाणी का भी करे बचत, समय पर होगा सही इस्तेमाल। अब खबरें विस्तार से। आज मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि मन से बीमारियां शुरू होती हैं और मन से ही बीमारियां ठीक भी होती हैं। यह विचार सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बी.के. सिवानी ने गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कही। वे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए आयोजित 2 दिवसीय रिट्रीट में सेलिब्रेटिंग लाइफ विद फ्रीडम, जॉय एंड सक्सेस विषय पर बात कर रही थी। आज मेडिकल साइंस ने प्रूफ किया है कि मन से बीमारियाँ होती हैं और मेडिकल साइंस ने ये भी प्रूफ किया है कि मन से बीमारियां ठीक होती है। इसी तरह मन से रिश्ते बनते हैं, मन से रिश्ते बिगड़ते हैं और मन से ही रिश्ते ठीक भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द थॉट दैट आई क्रिएट। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. बृजमोहन ने कहा कि आज आईटी ने हमें बहुत कुछ साधन दिए हैं, पर हमें उनका बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं बी.के. आशा ने भी हर परिस्थिति में सबके प्रति सुभाव रखने की अपील की। हमने हाथ में चीज़ को कंट्रोल कर लिया, यहाँ से दबाओ तो आपका एसी चल जाएगा, दबाओ बुझ जाएगा, यहाँ से दबाओ आपका गैरेज खुल जाएगा, ये सब ठीक है। हम समझते हैं बड़ी कंट्रोलिंग पावर आ गई हमारे पास, देखो ऐसे किया दरवाज़ा खुल गया, कार खुल गई, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हम सुपरफिशियल कंट्रोलिंग पावर रखते रखते इसको समझ रहे ये कंट्रोलिंग पावर है, हम कहीं अपनी असली कंट्रोलिंग पावर को तो नहीं भूल रहे। मुझे अपने आप को एट पीस रखना है ना, अपने आप को जॉयफुल स्टेट में रखना है ना, तो मैं नेगेटिविटी से नहीं रख सकती हूँ। तो मुझे अपने हित के लिए, अपनी अच्छाई के लिए मुझे ये शुभ भावना, गुड विशेष देनी है। 2 दिवसीय रिट्रीट के समापन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ एचसीएल के महाप्रबंधक अरुण बोस, ग्लोबल एचआर सुब्रतो चक्रवर्ती, टीसीएस के महाप्रबंधक अरुण जैन, जैन पैक्ट के उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, महाप्रबंधक पीयूष गोयल, एनआईआईटी की महाप्रबंधक नलिनी मल्होत्रा, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बी.के. आशा, ब्रह्मा कुमारी संस्था के आईटी विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बी.के. यशवंत ने दीप जलाकर किया। प्रमिला श्रीवास्तव ने कहा कि राजयोग के द्वारा जीवन में बदलाव होता है और हर किसी को राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हो या किसी भी वर्ग के। गुस्सा क्यों चढ़ता है? इसलिए कि तुमने ये चीज ठीक नहीं रखी, मैं चाहती हूँ तुम चीज ऐसे रखो, उसने कहा नहीं, तो दोनों ही करेक्ट है। तो हमें हमेशा सामने वाले की भी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो भी करेक्ट है अपनी जगह। जब हम इस लेवल पे सोचना शुरू करते हैं, तभी इस जिस दुनिया को कलयुगी दुनिया हम लोग कहते हैं, जो आजकल हर मिनट हर सेकंड हमको सहनी पड़ती है, उस तरीके से हम तभी जी पाते हैं। यही राजयोग मेडिटेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में है कि पूरी दुनिया में घूमने जाने और सब घरों में रहने के बाद भी हमको जीना आ गया कि जिया कैसे जाता। अब एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। चंडीगढ़ के धनास में शहरवासियों के लिए एक ऐसा मॉल खुला है जिसमें पहली बार स्थूल चीज़ों के बजाय हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस ले जाने के लिए ऑफर था। शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए। इस स्टॉल में मनुष्य को खुश और स्वस्थ रहने के लिए वह सभी चीज़ें उपलब्ध कराई गई जो हमारे संपूर्ण विकास के लिए जरूरी हैं। यह अनोखा माल लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने बहुत से मॉल देखे होंगे, परंतु ऐसा मॉल कहीं नहीं देखा होगा जहां स्थूल के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्म विकास के लिए मॉल बनाया गया है। हाँ, सच है, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं वो सब मनुष्यों को वो चीजें उपलब्ध कराने के लिए हैं जिनके लिए वह स्थूल मॉल एवं दुकानों रूपी मंदिरों, मस्जिदों और भौतिक साधनों में ढूंढता है। स्वास्थ्य, धन और प्रसन्नता स्थायी रखने के लिए यह मॉल कई मायनों में अहम साबित हुआ। लोगों की मॉल देखने की आदत और उनके भाव ने एक ऐसी चीज उपलब्ध कराई जो सामान्य तौर पर कम देखने को मिलता है, चाहे वह नशा मुक्ति केंद्र हो या कुंभकर्ण का प्रदर्शन, खुशियों के स्टॉल हो या लक्ष्मी नारायण का राज दरबार। हर तरह से मनुष्य को यह एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि खुशी, प्रसन्नता और सर्वांगीण स्वास्थ्य सब कुछ वह चाहे तो पा सकता है। यह मॉल पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। इस मेले का मेन जो मनु मोटिव लग्या वही है कि कार जिहड़े है वो बच्चों नूं जिवें नाल लिआए है परिवार, तां साडे कोल अज तक टाइम नहीं है कि अपने बच्चों नाल भी कुछ टाइम गुजार सकीए, तो बहुत अच्छा लगे इत्थे आके। तो मेरी कोशिश है कि मैं जिन्हें अपने दोस्त मित्र हैं उन्होंने जरूर इत्थे विजिट कराऊँ। पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज के समय में इस प्रकार के मेले का आयोजन जरूरी है, क्योंकि ऐसे मेले से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर धनास में, जो हमारा धनास का सेवा केंद्र है, बहुत ही मेहनत की है। हमने देखा है कि यहाँ पर थोड़े से समय में और काफ़ी लगन से और अच्छी तरह से इस भावना से इस मेले को यहाँ पर लगाया गया है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गॉडलीवुड स्टूडियो के ओवरसीज डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट बीके डेनिस लॉरेंस को, हरियाणा से पलवल सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज को आध्यात्मिकता द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं के लिए शक्ति अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड यो कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, जो 9वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड में भी तब्दील था। यह अवार्ड यो कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित 9वें नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड में यो कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल के अध्यक्ष विजय तिवारी के द्वारा दिया गया। नोएडा के लॉजिक हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मारवा स्टूडियो के ओनर संदीप मारवा, प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सविता शर्मा, ऑर्गेनाइजर के अध्यक्ष विजय तिवारी, बीके डेनिस, दिल्ली में जनकपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया के कर कमलों द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में बीके डेनिस ने अपने राजयोग व ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहिए तो राजयोग करना जरूरी है। प्रेजेंट और पास्ट हम जानते हैं, लेकिन कौन सी प्रकार की फ्यूचर हमको चाहिए जिसमें महिलाओं का विशेष पार्ट है, और महिलाओं के अंदर कौन सी शक्तियाँ, कौन से गुण, किस प्रकार की एजुकेशन, किस प्रकार की स्किल सेट से हम अपना सभी के लिए, हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि ये तो कोई कंपटीशन नहीं है मैन और वुमेन की वास्तव में। वहीं बीके विजया को भी समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए संदीप मारवा ने मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अब गुजरात के छोटा उदयपुर में है, जहां लोक कल्याण आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पार्लियामेंट सेक्रेटरी जयंती राठवा, छोटा उदयपुर के सांसद राम सिंह राठवा, गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला, वडोदरा सब जोन प्रभारी बीके राज, माउंट आबू से बीके प्रकाश, बीके ओंकार, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन के पश्चात दूरदर्शन आर्टिस्ट डॉक्टर रीता ने स्वागत नृत्य कर सबका मन मोह लिया, तथा कुमारी चार्मी एंड ग्रुप ने, कलाकारों ने भी भारत फिर भरपूर बनेगा पर अपने शानदार प्रस्तुतियां दी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। सीधों पे आधा खरा मोती से करी कमी होगी। इस अवसर पर जयंती राठवा ने कहा कि जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है वही धर्म और समाज की रक्षा कर सकता है। साथ ही आदिजाति विकास एवं वन मंत्री सबदरम तड़वी ने मेले के प्रति अपनी उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेला यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। चाहे धर्म की सेवा करनी हो, चाहे समाज की सेवा करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है वही ज्यादा से ज्यादा धर्म की भी रक्षा कर सकते हैं और समाज की भी रक्षा कर सकते हैं। हमारा आदिवासी समाज को बहुत जरूरत है आध्यात्मिक नाम की। उनमें भाव तो बड़ा है लेकिन सुसुप्त अवस्था में है, उनको जगाना पड़ेगा। ये पूर्ण ज्ञान होगा तब ये जागेगा। यहाँ 3 दिन का मेला मुझे लगता है बहुत सार्थक होगा। संस्थान के सदस्यों ने कहा कि भगवान ने हमको श्रेष्ठ कर्म करने की जो कला सिखाई है उसमें हम श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच सकते हैं, बशर्ते प्रयास करना होगा। संसार में आए हैं, क्या लेके जाओगे? सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन भगवान ने हमारे को अच्छे कर्म करने की जो कला सिखाई है, वर्तमान हमारे हाथ में दिया है। भविष्य की तकदीर की लकीर जैसे खींचना चाहो आप खींच सकते हैं। अंत में बीके सरला ने अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर वो मोमेंटो भेंट कर भी सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेवल विंग द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। केरला भवन में आयोजित सेमिनार का शुभारंभ जबलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर राम तनु शाह, पश्चिम मध्य रेलवे के वित्तीय सलाहकार ए.के. शुक्ला, एडिशनल एसपी ट्रैफिक डी.पी.एस. राजपूत, एडिशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विक्रम सिंह राठौर, व्हीकल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ए.के. तिवारी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी.के. सुरेश, जोनल कोऑर्डिनेटर बी.के. अनिता, मुंबई से प्रभाग की फैकल्टी मेंबर बी.के. कविता, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. बिमला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में एसपी डीपीएस राजपूत ने कहा कि आज सबसे ज्यादा मृत्यु एक्सीडेंट से हो रही है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही रामतनु शाह ने सेमिनार के द्वारा लोगों को लाभ मिलने की आशा जताई तथा संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की भी सराहना की। ऐसी कोई बीमारी आज नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं है जिसमें इतनी मृत्यु होती हो जो सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। 70% तक हम लोग पहुँच चुके हैं। हत्या एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, हम लोग मानते हैं कि हत्या एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें लोगों की मृत्यु होती है। जबलपुर शहर की हम बात करें, जबलपुर ज़िले की लगभग 50 लोगों की मृत्यु सालाना हत्या के प्रकरणों में होती है और इससे 10 गुना ज़्यादा वर्ष 2015 में 562 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में। मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन अपना अपने जीवन में सकारात्मक का समावेश करने के लिए प्रेरित होंगे। मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अगर किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होता है या उसकी मृत्यु होती है तो वो कहीं ना कहीं उससे परिवार प्रभावित होता है, परिवार से समाज और समाज से देश, देश से कहीं ना कहीं विश्व प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम में बीके अनिता ने कहा कि आज जितना ट्रैफिक रोड पर है उससे ज्यादा ट्रैफिक हमारे मन में विचारों का है, जिससे व्यक्ति आत्मसंयम खो देता है। बाहर सड़क पर इतनी ट्रैफिक चल रही है, इंसान के अंदर स्वयं में उससे भी कई गुना ज्यादा विचारों की ट्रैफिक चल रही है और इस बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण, अंदर के विचारों के कारण, उन्हें गुण के कारण इंसान आत्मसंयम खो देता है। अब खबर महाराष्ट्र के वर्धा से है, जहां स्थानीय जिला कारागार में कैदियों के लिए 7 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके राधा ने कहा कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियों बस ऐसे उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं, इसलिए इन संस्कारों को बदलने के लिए राजयोग हमें मदद करता है। वहीं जेल अधीक्षक बाविस्कर ने कारागृह को सुधारगृह बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही जेलर संघमित्रा से लाके वीएस कस्बे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। कोलकाता में विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा शक्ति अभियान के अंतर्गत कोण नगर के रविंद्र भवन ऑडिटोरियम में विश्व परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका विषय पर भव्य कार्यक्रम की शुरुआत नगरपालिका के अध्यक्ष बप्पादित्य चटर्जी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. चक्रधारी, मुख्यालय संयोजिका बी.के. डॉक्टर सविता, आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. कानन, कोण नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. सौभाग्य तथा शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बी.के. चक्रधारी ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। वहीं बी.के. डॉक्टर सविता ने कहा कि हम जितना अधिकार बेटे को देते हैं उतना ही अधिकार बेटियों को भी देना चाहिए। बेटियों को उपेक्षित करना भी एक पाप है। और सचमुच युगों से महिला जाति के साथ बहुत अपमान होता रहा, उसे अशिक्षित रखकर उसे सेकंड ग्रेड का नाम दिया गया, क्योंकि महिलाओं का स्थान घर और परिवार तक सीमित रखा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने बहुत तीव्र गति से प्रगति की। आज 140 देशों में इस विद्यालय के 8,500 सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि बेटियों को हम उपेक्षित न करें। अंत में बी.के. चक्रधारी ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। गुजरात खोरज में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र की 31वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई, जिसका शुभारंभ JSIW के निदेशक बाबू पटेल, गुजरात समाचार के लेखक परिजित पटेल, गुजराती पत्रिका के संपादक कालिदास पटेल, महादेव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. चंद्रिका, वांकानेर सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शैला, सैटेलाइट सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. कृति, खोरज सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. हेमना, बी.के. अशोक ने केक काटकर किया। इस उपलक्ष्य में बी.के. चंद्रिका ने गुजराती भाषा में त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही सेवा केंद्र के 31 वर्ष पूर्ण होने की सभी को शुभकामनाएं दी। अब खबर राजस्थान के जालौर से है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर जागरूक होना चाहिए। जब तक न्याय देने वाले न्यायाधीश अपराध करने का आधार एवं अपराध को समाप्त करने का ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, तब तक वे वास्तविक निर्णय नहीं दे सकते। यह बात इंदौर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति B.D. राठी ने ब्रह्मा कुमारी एवं माहेश्वरी समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कहा। जालौर के ग्रेनाइट एसोसिएशन हॉल में सफल जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ B.D. राठी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी B.K. रंजू, माहेश्वरी समाज के सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर न्यायिक प्रक्रिया पर माहेश्वरी समाज के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। मध्य प्रदेश की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा के कारण यह नगर विश्व प्रसिद्ध है, जहां कार्तिक माह के उपलक्ष्य पर आयोजित 15 दिवसीय विशाल मेले में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. समिता के मार्गदर्शन में आयोजित चित्र प्रदर्शनी द्वारा संस्थान के सदस्यों ने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को स्वयं के परमात्मा व सृष्टि चक्र के परिचय से अवगत कराया, जिसका सभी श्रद्धालुओं ने भरपूर लाभ लिया। अब खबर छत्तीसगढ़ के जसपुर से है। जसपुर में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत तकरा गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत के सदस्य डॉक्टर अजय शर्मा, विद्यालय के प्राचार्य सीताराम साव, वरिष्ठ व्याख्याता चुन्नूराम भगत, प्रधान रामनंदन साय, झारखंड के गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. शांति, कांसाबेल उप सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. सीलू ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर अजय शर्मा ने कहा कि जहां माँ बेटी बहनें दुखी हैं वह परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। हमें सभी नारियों का सम्मान कर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। वहीं प्राचार्य सीताराम साव ने बेटियों को सशक्त बनाने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयास को सराहनीय बताया। बीके शांति ने समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से निकाले गए इस अभियान के द्वारा जन जन तक संदेश पहुंचाने की उम्मीद जताई। तो बेटियां धन है, वो बेटियां अद्भुत है जो अपने माता पिता को छोड़कर एक पराये अजनबी के साथ में अपनी सारी जीवन अपना मानकर उसको बिता देती है, उसके घर को अपना घर मानती है और अपना सारा सर्वस्व जो है निछावर करके उसके साथ, उसके दाम्पत्य जीवन के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार देती है। ये अगर कमाल कोई कर सकता है तो केवल बेटियों के बल पर है। अंत में एक रैली का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और शहर के मुख्य मार्गों से यह रैली होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समाप्त हो गई। तब अगली खबर हरियाणा के करनाल से है। करनाल के गवर्नमेंट कॉलेज में सकारात्मक चिंतन की कला विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में पानीपत से आए ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने सभी विद्यार्थियों से अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने के लिए राजयोग सीखने व नियमित अभ्यास करने का आग्रह किया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य जोगिंदर मदान ने कहा कि अपना बुरा समय हमें अनुभव देता है और अनुभव से व्यक्ति का विकास होता है। जितना बुरा समय आता है उतनी लंबी परीक्षा होती है, उससे बुरा समय अनुभव देता है, सिखाता है और जब व्यक्ति अनुभव लेता है उससे उसका विकास होता है। जिसका बुरा नहीं हुआ वो कुछ बता भी नहीं सकता, उसका विकास नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में सदर मार्केट स्थित सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रंजना ने बताया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की विश्वव्यापी संस्थान है जो समाज के हर वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करती है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां हर कोई हेल्दी, हैप्पी एवं सुख सुविधा से संपन्न हो। कर्नाटक के भालकी में भी गवर्नमेंट कॉलेज में नैतिक मूल्य विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कहा कि विचार आत्मा का भोजन है और विचार निगेटिव होने से दृष्टि, वृत्ति और व्यवहार सब कुछ निगेटिव हो जाता है। कितना सोचेंगे, क्योंकि विचार हमारे बीज है, विचार बीज है। अगर बीज निगेटिव है, बोल भी निगेटिव, विचारों से बोल बनते हैं, वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। मेरे विचार निगेटिव, मेरा सब कुछ निगेटिव, इसलिए विचार पॉजिटिव बना दो। इस अवसर पर छात्राओं ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि ऐसे समय पर राज्यों की शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य नीलकंठ पांचाल ने भी बीके भगवान का धन्यवाद किया। अंत में बीके राधा ने सभी को सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने का निमंत्रण दिया। गुजरात के सेवत के KN बनपरिया कन्या विद्यालय में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, केशोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, दिल्ली से बीके अनुज तथा कई विशिष्ट लोगों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में आए उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि जीवन का अगर आनंद लेना है तो इसके लिए राजयोग सीखना जरूरी है। इस कार्यक्रम का स्कूल के छात्र व छात्राओं व संस्था के सदस्यों ने बड़ी उमंगोत्साह से भरपूर लाभ लिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत आनंदपुरी सेवा केंद्र द्वारा ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने बच्चों को नशे से स्वयं को, अपने परिवार को दूर रहने की शपथ दिलाई। साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों को व्यसन मुक्त बनने के लिए सेवा केंद्र पर आकर राज्यों का अभ्यास करने का निमंत्रण भी दिया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुनील पचौरी, प्रबंधक यदुवीर सिंह सहित स्कूल के सभी शिक्षक उपस्थित थे। जयपुर के बापूनगर में जन जन तक शिव संदेश पहुंचाने हेतु शिव की बारात विषय पर रैली का आयोजन किया गया। इसमें परमात्मा का शिव अवतरण एवं राजयोग द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का संदेश दिया गया। इस रैली में देवी देवताओं की झांकी भी सजाई गई। रैली के दौरान सभी में बहुत उमंग उत्साह दिखाई दिया। माताओं ने सिर पर कलश रखकर एवं भाइयों ने शिव ध्वजा लहराते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। बड़ी खबर रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से है, जहां ब्रह्मा कुमारी द्वारा आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने कहा कि वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए अपनी वाणी की बचत करना जरूरी है, तभी हम सही समय पर इसका सदुपयोग कर पाएंगे। Why I am happy to see you, I will have to tell you, because next 45 minutes you are going to be in silence, because only I have the microphone, and so therefore it is very good exercise for the health to just save the energy, be in silence. If you want to listen, listen. Don't want to listen, don't listen. इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्वयं के जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प के साथ डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप की बीके ओल्गा ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के अंत में संतोष ने सभी को राज्यों की गहन अनुभूति कराई और सभी से राज्यों को सीखने की अपील भी की। पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।